यू आर वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बात करेंगे आयुर्वेद में ऐसी कौन सी पॉपुलर रेमेडीज को बताया गया है फॉर हॉर्मोनल बैलेंस। नाउ ये जो रेमेडीज है वो मैं भी बहुत ज्यादा सजेस्ट करती हूँ अपने डाइट प्लान्स में उन फीमेल्स के लिए हु हैव PCOS, PCOD या फिर और भी किसी तरह के हॉर्मोनल इम्बैलेंस की उन्हें प्रॉब्लम है। इसके अलावा पीरियड से रिलेटेड कोई इश्यूज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी रेगुलेट करनी है आपको, तब भी ये हर्ब्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। नंबर वन जो हर्ब है जो फीमेल्स को अपनी डाइट के अंदर शामिल करनी चाहिए फॉर हॉर्मोनल बैलेंस इज शतावरी। शतावरी को आयुर्वेद में क्वीन ऑफ हर्ब कहा गया है, यानी रानी हर्ब्स की। फीमेल को हॉर्मोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें ये उनको हेल्प करती है। हॉर्मोन बैलेंस के साथ साथ ये एक एडाप्टोजन भी है, यानी ये आपके ब्रेन को भी रिलैक्स करने में हेल्प करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। और आज की डेट में मैंने देखा है कि हॉर्मोनल इम्बैलेंस का कनेक्शन फूड के साथ साथ आपके स्ट्रेस लेवल से भी है। तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए भी ये हर्ब आपको काम आएगी। इसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट एंड बिटर होता है। इसकी प्रॉपर्टी कूलिंग होती है। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं डिटेल में, तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, हॉर्मोनल बैलेंस के साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, एस्ट्रोजन को बैलेंस करने के लिए, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो होते हैं उन्हें रिड्यूस करने के लिए, अगर आप मीनोपॉज से गुजर रही हैं उसके लिए, लिबिडो के लिए, मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इफ यू आर अ नर्सिंग मदर, मूड स्विंग से बचाने के लिए हेल्पफुल होता है। एंटी डिप्रेसेंट है ये। वाइट डिस्चार्ज अगर होता है तो उसे भी रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है ये। ये दो तरह की आती है, वाइट भी और थोड़ी थोड़ी पेल कलर में भी। जो थोड़ी थोड़ी पेल कलर की होती है शतावरी वो बेटर होती है। इसे आप दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, हनी के साथ ले सकते हैं। सोने से पहले ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो सोने से पहले अगर आप हल्दी का दूध ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसके अंदर शतावरी भी मिला सकते हैं। इसकी डोसेज जो है वो है 3 से 5 ग्राम। 5 ग्राम का मतलब है 1 टीस्पून। तो सेफ कंजप्शन के लिए इनिशियली आप 1/4 टीस्पून से स्टार्ट कर सकते हैं, देन यू कैन गो अप टू 1 टीस्पून ऑन अ डेली बेसिस। नेक्स्ट मिरेकल हर्ब जो है वो है मुलेठी, यानी लिकराइस। लिकराइस रूट्स जो होती है, मुलेठी जो होती है, वो भी फीमेल्स के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत यूजफुल है। इसका टेस्ट जो होता है वो मीठा होता है। एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगी, शतावरी भी अगर आपको होल मिले तो आप होल लो, मुलेठी आप हमेशा होल लो, पाउडर फॉर्म में ना लो। एक तो उसके अंदर हो सकता है एडिटिव्स हो या अडल्ट्रेशन हो, दूसरा पाउडर करने के बाद इनका थोड़ा सा न्यूट्रिशन कम होने लगता है, जो इनके अंदर वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो निकलने लगते हैं ऑक्सीडाइजेशन की वजह से। सो मेक श्योर कि आप होल लें। मुलेठी टी मैं बहुत सजेस्ट करती हूँ इफ यू आर गोइंग थ्रू योर साइकिल, आपकी साइकिल में से जरूर इंक्लूड करें। अगर आपकी साइकिल आपको रेगुलेट करनी है तब भी आप अपनी डाइट के अंदर इसे इंक्लूड कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर ले सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन इसे अवॉइड करेंगे। प्रेग्नेंट वुमेन को लिकराइस रूट्स जो है वो नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। इसके अलावा मीनोपॉज में आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं, या आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, इनफैक्ट आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। हर्ब है जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो बेसिकली थर्ड रेमेडी जो है वो एक सीड से रिलेटेड है, वो है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स आर अमेजिंग इफ यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर हॉर्मोन। फीमेल्स के लिए बहुत अच्छे हैं। फीमेल्स की डाइट में ओमेगा 3 का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इंडिया में मेजोरिटी ऑफ पीपल आर वेजिटेरियन, और वेजिटेरियंस को ओमेगा 3 का सोर्स नहीं मिलता है, क्योंकि अच्छा जो सोर्स होता है वो होता है फिश इसका, और फिश वेजिटेरियन कंज्यूम नहीं करते हैं। रिचेस्ट अगर प्लांट बेस्ड सोर्स की बात करें ओमेगा 3 की, तो वो फ्लैक्स सीड्स होते हैं। तो फ्लैक्स सीड्स आप ओमेगा 3 के लिए लें। इसके अंदर लिग्नन होते हैं। लिग्नन बेसिकली फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं, एक तरह के फाइटोकेमिकल होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्लांट कंपाउंड्स भी होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं। ये सारी चीजें बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लिग्नन्स जो होते हैं वो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन कम है, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है, तो उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अगर एस्ट्रोजन ज्यादा बन रही तो उसे लोअर डाउन करके बैलेंस करने में, तो ये दो तरह से काम करते हैं। फ्लैक्स सीड्स जो है वो सीड साइकिल में भी मैंने इंक्लूड करने के कहे थे आपसे। तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में इनका कंजप्शन थोड़ा कम कर देना चाहिए,
लेकिन सर्दियों में आप इसकी पिन्निया, इसके लड्डू बनाकर ले सकते हैं। इनफैक्ट इनके लड्डू बहुत अच्छे होते हैं अगर फीमेल्स लेंगी, क्योंकि जो ओमेगा 3 जो बाकी फैट्स होते हैं, जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिंस होते हैं, उनका अब्सॉर्प्शन फैट के साथ ज्यादा अच्छा होता है। तो जब आप देसी काऊ के घी में इसके लड्डू बनाएंगे या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल में, तो इसका अब्सॉर्प्शन अच्छा होगा आपकी बॉडी के अंदर। तो फ्लैक्स सीड्स इज अनदर अमेजिंग रेमेडी, आप इसे स्प्राउट भी कर सकते हैं। नाउ स्प्राउटिंग की बात आई तो नेक्स्ट मेरा जो इंग्रेडिएंट है उसे भी आप स्प्राउट कर सकते हैं, वो है मेथी। मेथी इज अनदर इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदिक रेमेडी फॉर बैलेंसिंग हॉर्मोन्स। मेथी जिसे फेनुग्रीक सीड्स भी कहा जाता है, बिटर होता है इनका टेस्ट। इन्हें आप इनको लेने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है मेथी के लड्डू। मेथी के लड्डू अगर आप कंज्यूम करेंगे तो अगेन जो मैंने फ्लैक्सीड का रीजन बताया था, इसका अब्सॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है लड्डू में। साथ ही आप उन्हें स्प्राउट कर सकते हैं, सोक करके ले सकते हैं। मेथी जो होती है उसके अंदर भी एक ऐसा कंपाउंड होता है जो आपकी हॉर्मोन्स को बैलेंस, बेसिकली रिसेप्टर की तरह वो काम करता है, वो बाइंड हो जाता है हॉर्मोन्स के साथ जो सिग्नल्स आते हैं, देन हेल्प यू, इट हेल्प्स यू बैलेंस योर हॉर्मोन। साथ ही ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये फैट लॉस में भी हेल्प करते हैं। मेथी जो होती है वो इंसुलिन को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती है, आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, उसे नीचे लाने में हेल्प करती है। आपका इंसुलिन जो होता है वो एक अंडरलाइन कॉज होता है बढ़ा हुआ ब्लड शुगर और योर हॉर्मोनल इम्बैलेंस। देयर कैन बी अदर रीजन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आपका है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्लीप नहीं ले रहे हैं आप, ये फर्टिलिटी को भी बूस्ट करने में हेल्प करती है। तो इनफर्टाइल जो फीमेल्स हैं वो भी इन रेमेडीज को ट्राई कर सकती हैं। पीसीओडी यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या डिजीज है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी ये चीजें। मेथी सीड्स की अगर मैं बात करूं तो 1 टीस्पून आप ले सकते हैं पानी में सोक करके, इन्हें स्प्राउट कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं सैलेड के ऊपर, सीड्स को आप चू कर सकते हैं। लास्ट जो मेरा इंग्रेडिएंट है जो अगेन एक सुपर फूड है फॉर फीमेल्स इज निरगुंडी, जिसे चेस्ट बेरी या फिर वाइटेक्स भी कहा जाता है। इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो रेगुलेशन ऑफ पीरियड से लेके इनफर्टिलिटी से लेके मेनोपॉज के सिम्टम्स को बेटर करने के लिए, यूटीआई डिजीज को ट्रीट करने के लिए, इनफैक्ट अगर यूट्रस डिस्प्लेसमेंट है तो उसमें भी हेल्प करता है। इसके अलावा बोनस में मैं 2 चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगी। एज अ फीमेल तुलसी आप अपनी डाइट पर जरूर शामिल करें। तुलसी भी बहुत अच्छी होती है हॉर्मोनल बैलेंस के अलावा, इसके अंदर गावा प्रॉपर्टीज होती है। सो बेसिकली तुलसी जो होती है उसका काम होता है हमारे नर्वस सिस्टम को काम करना। हम बहुत सारी ऐसी चीजें लेते हैं हमारे डाइट के अंदर जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, जिसमें कैफीन नंबर 1 पर है। तो ऐसे में हमारा माइंड जो होता है उसे अगर हमें काम डाउन करना है, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तो तुलसी से अच्छा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है डाइट में शामिल करने का। आप इसको अपनी चाय में डाल सकते हैं, आप नॉर्मल इसकी चाय ले सकते हैं, आप नॉर्मल पानी गुनगुना कीजिए, उसमें डिप करके इसे छोड़ दीजिए एंड हैव दैट वाटर। कलौंजी भी फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में सेपरेटली मैंने डिटेल में बात की हुई है, उन सारे वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। वो सारे वीडियोस मेरे दूसरे चैनल फिट फूड फ्लेवर्स पे आपको मिलेंगे। नाउ जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं आंसर करना चाहूंगी कि ये सारी चीजें आपको एक साथ इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कोई भी एक चीज अगर आप लंबे टाइम तक लेते हैं तो आपकी बॉडी से यूज टू हो जाती है, उसका इफेक्ट नहीं रहता है। ऑल्सो दे कैन बी साइड इफेक्ट ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स अगर आप लंबे टाइम तक ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, स्पेशली अगर आप जब मेडिसिनल पर्पज के लिए इन इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं तो ऑब्वियसली एक लिमिट के बाद ज्यादा हो जाता है। तो ऑलवेज टेक अ ब्रेक। तो आप सीजनल पे इसे कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि आप शतावरी को कंज्यूम कर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए समर्स में, एंड देन उसके बाद आप मेथी इंक्लूड कर सकते हैं बरसात के सीजन। सर्दियों के मौसम में आप फ्लैक्सीड इंक्लूड कर सकते हैं। सो ऐसे आप सीजन के अकॉर्डिंगली इन्हें चेंज कर सकते हैं, आप रीजन के अकॉर्डिंगली इसे चेंज कर सकते हैं, बट ऑलवेज टेक अ ब्रेक। इसीलिए मैं इतनी सारी चीजों के बारे में बता रही हूँ क्योंकि यू हैव टू स्टॉप वन थिंग एंड स्टार्ट अनदर थिंग, एंड हो सकता है कोई एक चीज आप पे ज्यादा अमेजिंगली काम करे रेदर देन अदर थिंग जो आपको ज्यादा सूट कर रही है, उस चीज के वजह से भी आप अलग अलग टाइम पे इन चीजों को यूज कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू मिक्स एवरीथिंग। अगर आपको मिक्स भी करना है तो आप 2 चीजें इंक्लूड कर सकते हैं एक टाइम पर अपनी डाइट के अंदर। सो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ और भी डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। साथ ही आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम यू टेक केयर। बाय बाय।